सोनोग्राफी एमआरआई में अगर आपको रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस या सब अक्रोमियल बर्साइटिस डायग्नोज हुआ है और आप विचलित हैं, जानना चाहते हैं कि इस बीमारी का क्या कारण है, ये बीमारी क्यों हो गई है और मैं इसका इलाज कैसे कर सकता हूँ, इस बारे में हम इस वीडियो में विस्तार में जानेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक एंड सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल। हम स्पेशलिस्ट हैं घुटने और कंधे के सभी प्रकार की कॉम्प्लेक्स बीमारियों और स्पोर्ट्स इंजरीज के लिए। तो मित्रों, आज आपको बता रहे हैं कि अगर आपका डायग्नोज हो गया है एमआरआई और उस यूएसजी के अंदर कि आपको बर्साइटिस या इम्पिंजमेंट है, तो हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो बेसिक कारण है, हमें सबसे पहले यह पता लगाना है कि ये इम्पिंजमेंट या टेंडिनाइटिस हो क्यों रहा है। इसके कारण, जैसे हमने पहले वाली वीडियो में देखा कि जिन जिन कारणों से ये प्रॉब्लम हो रही है, हम उन कारणों को दूर कर सकते हैं। यानी कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी अगर हो गई हो, तो हमें पहले न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना चाहिए। हलन चलन में कमी यानी कि एक्टिविटी में कमी, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें इसके लिए शोल्डर की गाइडेड फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। यह गाइडेड फिजियोथेरेपी दो तरीके से काम करती है। पहले के अंदर हम कुछ इस प्रकार की आइस थेरेपी, क्रायोथेरेपी करते हैं, जिससे कि हम सूजी हुई उस बरसा और मसल को, उसकी सूजन को कम कर सकें। उसके अलावा हम दर्द की कुछ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एनसेड्स मेडिसिन देते हैं, जो इन्फ्लामेशन को कम करती है। उसके अलावा हम उस कारण को जानते हैं जिस वजह से यह प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि अगर वो गठिया है तो यूरिक एसिड की मेडिसिन दी जाती हैं, अगर वो केवल मसल वीकनेस है तो उसमें हमें फिजियोथेरेपी को एडवाइस करना है, अगर वो हड्डी भरी हुई है यानी कि अगर हमारे कंधे का एक्रोमियन जॉइंट के अंदर कोई बोनी स्पर है तो हम इसके अंदर सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन करते हैं, यानी एक छोटी लेजर के द्वारा भरी हुई हड्डी की परत को क्लीन कर देते हैं। और इन चीज़ों के साथ हम इसके अंदर इंजेक्शन थेरेपी में जा सकते हैं। इंजेक्शन थेरेपी में हम दो प्रकार के इंजेक्शन को यूज़ करते हैं, एक जिसे हम कॉर्टिसोन शॉट्स कहते हैं, यानी कि स्टेरॉयड के बेसिक इंजेक्शन। अब स्टेरॉयड के बेसिक इंजेक्शन के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यह इंजेक्शन केवल किसी एक्सपर्ट द्वारा लगाया जाना चाहिए। यह इंजेक्शन टिपिकल उस जगह पे लगाया जाना चाहिए जहाँ पे समस्या है, यानी अगर ये इंजेक्शन बर्साइटिस में है तो ये बर्सा के अंदर लगेगा, अगर ये इंजेक्शन सबअक्रोमियल स्पेस में है तो सबअक्रोमियल स्पेस में लगेगा। और आजकल स्पेशलिस्ट इसे अल्ट्रासोनिक गाइडेड भी लगाते हैं। उसके अलावा इस दूसरा इंजेक्शन जो हम इसमें यूज़ करते हैं, उसे प्लेटलेट थेरेपी या पीआरपी थेरेपी कहा जाता है। पीआरपी थेरेपी के ऊपर हमारा एक डिटेल वीडियो है, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इन कारणों से और आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि ऐसी कौन से व्यायाम और करें जिससे कि ये प्रॉब्लम ना बढ़े। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।